हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू ज्ञानवी जी जे। आज हम पार्ट 27 यूनिट 26 लेकर आए हैं। होमवर्ड बाउंड। गीताली इज ट्रैवलिंग बैक होम बाय ट्रेन फ्रॉम मुंबई टू पूना। गीताली घर जा रही है मुंबई से पूना ट्रेन से। तो अब उसको कितने रुपीज़ का टिकट लगा है और कितने टाइम में गई है और क्या क्या सरकमस्टांसेस आते हैं उसके हिसाब से हम ये क्वेश्चंस करेंगे। The price of a ticket is ₹1350. Gitali, being a student, gets a rebate of 1/3 on a ticket. क्योंकि student scholarship होती है उसके हिसाब से उन्हें 1/3 of the ticket, मतलब 1350 का 1/3 ही pay करना है। Calculate the amount that she pays for a ticket. तो उसे कितना pay करना पड़ेगा तो आप calculate करेंगे। 1/3 निकालना है तो you just have to 1350 मल्टीप्लाई बाय 1/3। सो इसको कैंसिल आउट करेंगे, यू विल गेट 450। और इसमें से 1350 में से हम इसे माइनस कर देंगे 450 को, मतलब उन्हें 1/3 का रिबेट मिल रहा है। तो रिबेट मतलब कितना मिल रहा है, रिबेट 450 का रिबेट मिल रहा है। तो अब टोटल पे कितना करना है, 1350 से हम जब माइनस करेंगे तो हमें आंसर आ जाएगा 900। Gitali travels by two trains. वो दो ट्रेन से जाती है। The first train goes from मुंबई to लोनावाला, मुंबई से लोनावाला एक ट्रेन जा रही है। एंड फिर लोनावाला से the second train is going from लोनावाला से पूना जा रही है, मतलब उसे चेंज करके जाना है। तो पहले मुंबई से लोनावाला जाएगी, लोनावाला से वो पूना जाएगी। Look at some information that is written down about the schedule of the trains. एक ट्रेन है, first train जो है मुंबई से 13:45 आवर्स, मतलब 1345 को हम इसको माइनस कर देंगे 12 से, तो हमारा 12 आवर क्लॉक बन जाएगा। क्योंकि ये अभी जो दिया है ये 24 आवर्स क्लॉक में है, जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं वो 12 आवर क्लॉक होता है। तो ये हो जाएगा 1 आवर्स, मतलब 1:45 पे ये ट्रेन डिपार्ट होती है। और इसको भी हम कर लेंगे तो 12 से माइनस कर लेंगे, 1639 को 12 से माइनस करते हैं और ये हो जाएगा 4 आवर्स, मतलब 4:39 पे ये पहुँचेगी। ये आपका पीएम है। और जब हम 12 के पहले, मतलब 0 से 12 के बीच में लेते हैं वो एएम हो जाएगा, 12 के बाद 24 तक जो लेते हैं वो पीएम हो जाएगा। तो ये और इसे भी माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 5:12, मतलब 5:12 पे ये दूसरी लोना वाले ट्रेन निकलेगी। अब इसमें जो क्वेश्चन था एक्सप्रेस द टाइम 13:45 यूजिंग द 12 आवर क्लॉक, वो हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। तो आ जाएगा 1:45 PM। अब फाइंड द टाइम व्हेन द फर्स्ट ट्रेन वुड टेक टू ट्रैवल फ्रॉम मुंबई टू लोनावाला। मुंबई से लोनावाला जाने के लिए उन्हें कितना टाइम लगेगा, हमने निकाला 4:39 पे रीच हो रही है और 1:45 पे जा रही है। तो आप जस्ट 439 को माइनस कर दें 1:45 से तो आपका आंसर आ जाएगा। पर ये माइनस करने के लिए हमें बोरो करना पड़ेगा। जब हम एक घंटे से बोरो करते हैं इधर की तरफ मिनट्स में, तो 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स होता है। मतलब आपने अगर एक मिनट यहाँ, जैसे 4 की जगह आपका 3 हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे 60 ऐड करना पड़ेगा। तो 399 हो जाएगा, क्योंकि हमने 60+39 करा तो 99 हो जाएगा। एंड 1:45 इसमें हम माइनस करते हैं तो यहाँ आपका आ जाएगा 4:05 और ये 2। तो 2 घंटे और 54 मिनट्स इस ट्रेन को ट्रैवल करके वहाँ पहुँचने में लगेगा, द 2 आवर्स और 54 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट ट्रेन अराइव्स 46 मिनट्स लेट एट लोनावाला। फर्स्ट ट्रेन कितनी बजे अराइव हो रही थी, 4 आवर्स 39 मिनट्स पे, पर वो कितनी बजे आई, 46 मिनट लेट आई। मतलब आप 4:39 पे आप उसमें ऐड कर देंगे 46 मिनट्स। तो जो भी ट्रेन का टाइम होगा वो इससे मैच करता है कि नहीं, वो देखना है। क्योंकि दूसरी वाली जो ट्रेन है वो इतनी बजे निकल जाएगी, उसके पहले आप पहुंच गए तो ठीक है, और अगर आप उसके पहले नहीं पहुंचे तो आपको दूसरी ट्रेन में जाना पड़ेगा। तो हम इसको ऐड करके देखते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा 4 आवर 39 में हमने 46 ऐड करा, तो यहाँ पे हो रहा है 85 और ये 4। अब 4 85 तो हमारा होता नहीं है, क्योंकि
वन आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, तो इसमें 85 में से हम 60 माइनस कर देंगे, तो यहाँ 5 हो जाएगा, ये 25, और इधर जो माइनस करा था वो इधर ऐड हो जाएगा, तो 1, तो 5 25 पे पहुँची, और जबकि हमारी वो वाली जो ट्रेन थी 5:12 पे निकल जाती है, तो 25 माइनस 12 करेंगे तो ये आ जाएगा 13 मिनट्स वो लेट होने से वो वाली ट्रेन उसकी मिस हो गई, तो 13 मिनट्स लेट होने से वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट ट्रेन फ्रॉम लोनावाला टू पूना इज 18:12 पे, मतलब अब वो तो मिस हो गई है, और जो दूसरी ट्रेन है 18:12 पे, मतलब आप 18:12 को माइनस करो 12 से, तो 12 और 8 माइनस 2 6, मतलब 6:12 पे, द जर्नी इज 76 किलोमीटर एंड द ट्रेन ट्रेवल्स एट एन एवरेज स्पीड, जर्नी जो है मतलब डिस्टेंस जो है वो है 76 किलोमीटर, फिर द ट्रेन ट्रेवल्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ, जो ट्रेन की जो स्पीड है वो है 48 किलोमीटर पर आ, फाइंड द टाइम एट विच द ट्रेन अराइव्स इन पूना, इन सब से हमें ये देखना है कि टाइम निकालना है टी, कि वो पूना कितनी बजे पहुंचेगी, तो हमारा जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो जो हमें गिवन है आप वैल्यूज पुट कर दें या फिर हम इसको इंटरचेंज कर देते हैं, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा टाइम इज इक्वल टू डी अपॉन एस, तो डी क्या दिया हुआ था हमारा 76 और एस क्या दिया हुआ है 48, तो यहाँ आ जाएगा 76 अपॉन 48, बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपका टाइम आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 1.583 आवर्स और 95 मिनट्स, तो 18:12 पे वो ट्रेन अराइव होती है, तो ये रीच करेगी आपको 1947 आवर्स पे वो पूना रीच करेगी, सो थैंक यू, एंड नेक्स्ट यूनिट लेके हम जल्दी आएंगे।